मूलन की एक बहादुर लड़की होने वाली है। नई मॉम की जिंदगी कैसी होगी देखिए लालीलू पर। आओ इस पुरानी डॉल को मूलन में बदलें। ध्यान से पुराने बाल हटाएं। नेल पॉलिश रिमूवर से आईब्रोज पोंछें। एक बदलाव लाने का समय। धागों को खोलें। बालों को सर पर ग्लू करें जब तक पूरा सर बालों से ढके नहीं। अब मूलन के पास है उसके सिग्नेचर गहरे बाल। एक्रेलिक पेंट से बादाम की शेप की आंखें ड्रॉ करें। आईब्रोज की नई शेप, यही तो हमें चाहिए। होंठ ड्रॉ करें। गालों पर ब्लश लगाएं। लाल साटन में से एक ड्रेस बनाएं। पहले कपड़े को क्रिस क्रॉस करके ऊपर का हिस्सा बनाएं। दो चौड़ी बाजू ग्लू करें। नीचे के हिस्से के लिए भी कुछ कपड़ा चाहिए। एक लूज फिटिंग की ड्रेस, यही तो चाहिए होता है एक बहादुर को। चमकदार मैश में से एक बेल्ट बनाएं और एक पतला स्वेड रिबन बनाएं। ट्रेनिंग के समय के लिए ये आउटफिट एकदम सही है। नई मूव सीखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा घोड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। मैं सीखना शुरू करती हूँ। दुश्मनों सावधान, मैंने एक नई मूव सीख ली है। मैंने अपनी जी एनर्जी पा ली है। शुक्रिया। हर्बल चाय प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ही अच्छी है। कप्स, प्लेट्स और टी पॉट बनाने के लिए मोती चुने। एक खोखली तार का एक टुकड़ा काटें और उसे स्पाउट की तरह टी पॉट पर चिपकाएं। चाय के समय के लिए सब कुछ तैयार है। मूलन ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को चाय पर बुलाया। पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों से मैंने ये हर्ब्स इकट्ठे किए हैं। प्रेग्नेंट औरतों के लिए चाय बिल्कुल सही है। कितना जबरदस्त स्वाद। इस तरह की कोई चीज मैंने कभी नहीं चखी। एक एक्सरसाइज बॉल बनाएं। पीले गुब्बारे से इसे कवर करें। यूटिलिटी चाकू से एक कट बनाएं। इसे पीला रंगें। एक मोशू स्टिकर काटें। बॉल को स्टिकर से सजाएं। मूलन को बहुत समय हो गया, इसलिए उसे अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुधार करना होगा। एक फिटनेस बॉल की ही तो हमें जरूरत थी। मैं इस पर सभी तरह की एक्सरसाइज कर सकती हूँ, खासकर मेरी कमर वाली। पुराने खिलौने की प्लेट साफ करें। अंदर सफेद पेंट करें। बाहर काला पेंट करें। आइसिंग की जगह प्लेट्स को क्लियर नील पॉलिश से कवर करें। सफेद नायलॉन थ्रेड से नूडल्स बनाएं। हमारे पास अदरक का अचार, तले हुए टोफू और चावल भी है। हम किसके साथ खाएंगे? टूथपिक्स में से हम चॉपस्टिक्स बना सकते हैं। कितना शानदार डिनर, ये पौष्टिक और स्वस्थ है। ये इतनी सारी स्वादिष्ट ट्रीट्स। इन दिनों में चटपटे खाने के लिए तरस रही हूँ। और नमकीन और मीठा और ये भी स्वाद एक साथ यहाँ पर। बेबी एक पाली में सोएगी। शावर जल की खाली बोतल काटें। बॉटम को छोड़ दें। टुकड़े पर रस्से लपेटें। शानदार लग रहा है। थोड़ी और रस्सी गूंदें। इन्हें हैंडल और रिम बनाने के लिए इस्तेमाल करें। पाली को स्टफिंग से भरें। लाल साटन से इसे ढकें। इस पाली में सोना कितना प्यारा और नर्म होगा। चलो सपोर्ट्स बनाएं।
स्कीवर के एक हिस्से को गोल्ड एक्रेलिक पेंट से कवर करें और दूसरा हिस्सा लाल पेंट करें। 3 सपोर्ट्स बनाएं और ऊपरी हिस्से को गोल्ड मोती से जोड़ें। नायलन के 3 धागे इस तरह से बांधें। टेसल्स बनाने के लिए उन्हें काटें। बॉटम पर गोल्ड ग्लिटर छिड़कें। टेसल ऊपर टांगें। साइड्स पर सजावटी क्लास्प लगाएं। नीचे के हिस्से में से एक नायलन धागा निकालें और इसे स्टैंड के टॉप पर लटका दें। ये कल की बात लगती है कि मुलन पालने पर एक चमकदार जाली लगा रही थी और अब उसकी बिटिया पहले से इसमें सो रही है। सब कुछ तैयार है। फोनिक्स शांति से अपने पालने में सो रही है और माँ खुश है। मुलन की छोटी लड़की है। सैटन रिबन में से बालों के एक्सटेंशंस बनाएं। एक कोना सील करें और दूसरे को खोलें। पूरा सर बालों के एक्सटेंशन से भरें। बेबी बालों की लंबाई से कंफर्टेबल नहीं है। एंड्स काट दें। फोनिक्स के पास शानदार बाल है, अपनी माँ जैसे। ऑरेंज एथलेटिक टुकड़े पर एक बच्चे की रूपरेखा ड्रॉ करें। एक आउटफिट बनाने का टुकड़ा काटें। फोनिक्स को ऊर्जा देने के लिए पंख चारों तरफ इकट्ठा हो गए। पीठ पर 2 पंख चिपकाएं। गोल्ड ग्लिटर ब्रिम बाजू और पंख के किनारों पर छिड़के। ऊपर एक गुच्छा रखें। बेबी फोनिक्स का जोरदार स्वागत करें। जो सबक मैंने सीखा था वही तुम्हें सिखाऊंगी। तुम्हें साहसी, ताकतवर और दयालु बनना सीखना होगा। एक लर्निंग मैट बनाएं। स्टिकर फोम पेपर पर कंपास से एक सर्कल बनाएं। अंदर एक और सर्कल बनाएं। हमारे लक्ष्य है एक सर्कल के 2 आधे हिस्से बनाना। येन और यांग। एक कार्डबोर्ड लें, सर्कल पर ग्लू लगाएं, आधा हिस्सा लगाएं और फिर दूसरा। पाइप क्लीनर से साइड सजाएं। हर हिस्से के बीच में एक विपरीत रंग का दिल लगाएं। येन और यांग बस ऐसे हैं जैसे लालीलू और हमारे सब्सक्राइबर्स हम एक ही हैं। लकड़ी के स्कीवर्स काटें और उन्हें गोल्ड और लाल पेंट करें। एक स्टैंड बनाएं। स्कीवर्स क्रिस क्रॉस करें। ऊपर टूथपिक से बनी एक बार लगाएं। इसने काम किया। छोटी छोटी बेल्स, क्रिस्टल्स, बीड्स। एक लर्निंग मैट को ही सजाना आज उनका मिशन है। सभी सजावटों को स्ट्रिंग करें। बेबी पेंडेंट से खेलना छोड़ नहीं रही। लगता है वो सारा दिन इनसे खेल सकती है। हे पुराने घोड़े, भाव न मत। आपके लिए हमारे पास एक नया काम है। इस आकृति को काले एक्रेलिक पेंट से रंगें। मेहे, ये थी एक जंप। सुनहरे से काला, बाल अभी भी अच्छे हैं। चेहरे के स्पॉट्स चमकाएं। आंखों की सफेदी ड्रॉ करें। एक नीली आंखों वाला घोड़ा एक काली मेन के साथ, कितना अलग सा है ये। आर्क शेप के सपोर्ट को गोल्ड एक्रेलिक पेंट से हाईलाइट करें। पेंट सूखने से पहले इस पर ग्लिटर छिड़कें। स्वेड की रस्सी से लगाम बनाएं। एक ग्लिटर सैडल लगाएं। किसी भी बच्चे को एक साहसिक रोमांच की दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है ये घोड़ा। कोई हैरानी की बात नहीं कि फोनिक्स फौरन घोड़े पर कूद गए। चलना सीखने से पहले ही बेबी घोड़े की सवारी करना सीख रही है। बेबी फिनिक्स। क्या आपको बेबी फोनिक्स पसंद आई? तो नीचे कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, लालीलू को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें।